अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज बात करनी है वीजा कन्वर्ट पे, यानी कि आपके पास टूरिस्ट वीजा हो, कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टूरिस्ट वीजा से आपको कन्वर्ट करवा देते हैं वर्क परमिट के ऊपर। मेरे साथ तकरीबन रोज यही क्यूरी होती है, वीजा लेने की काम बातें कर रहे होते हैं और आगे जाके हमने क्या करना है, वहां पे काम कैसे मिलेगा, वीजा कैसे होगा, ये नहीं देखा, वीजा लगा ही नहीं अभी तक, काम शुरू नहीं किया और आगे की बातें पहले। तो मैंने सोचा चलो इसी चीज पे आज मैं बता देता हूँ सारा। दोस्तों कुछ कंट्रीज हैं दुनिया के, ऑलमोस्ट हर कंट्री इस पे आप चले जाओ विजिट वीजा पे अपने वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हो। बहुत सारे लोग जो उस कंट्री में भी रह रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता, वो नीचे नेगेटिव कमेंट्री के नहीं होता नहीं होता। जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जब गया था, ऑस्ट्रेलिया में मैंने एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगवाई पासपोर्ट में, मैंने शो करवाई कि मैंने एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगवाई है। तो जी ऑस्ट्रेलिया में जो लोग बैठे हुए हैं, हम तो 15 साल से बैठे हुए हैं, हम तो 20 साल से बैठे हुए हैं और यहाँ पे तो ही स्टैंप लग दी, आपने झूठ बोला है, इस तरह की बहुत सारी बातें। और ऐसे लोग पता ही कुछ नहीं है कंट्री के अंदर रह के भी, तो वो जमाना कबले मसीह के लोग गए हुए हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है कि इमिग्रेशन की क्या मामला आता है। डेली अपडेट्स आती रहती हैं, डेली इमिग्रेशन चेंज करती है अपने रूल्स, तो आपको अपडेट रहना पड़ता है। हमारा काम है डेली, तो फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है किस तरीके से क्या चीज़ हो रही है। तो मैं आज बात करता चलूँ बड़े कंट्रीज में, नंबर वन पे है जी अमेरिका। क्या अपना अमेरिका का वीजा कन्वर्ट करवाया जा सकता है B1 B2 कैटेगरी से वर्क परमिट के ऊपर या नहीं? मोस्टली लोग यही कहते हैं कि जी हम ओवर स्टे नहीं रहना चाहते हैं, हम वहां पे जाए करेंगे क्या। तो मैं उनको अक्सर एग्जांपल देता हूँ, जो लोग इलीगल जाते हैं वहां पे वो भी जाके अपनी लाइफ बना लेते हैं, अपना सब कुछ कर लेते हैं, तो जो लीगल जा रहे हैं क्या वो नहीं कर सकते हैं? आपके पास B1 B2 कैटेगरी का वीजा है 5 ईयर या 10 ईयर्स, आपने उधर जाना है, वहां पे जाके 2-3 चीजें हैं। अगर आप बिजनेस करते हो, आपके पास पैसा है, तो आप अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस वीजा में आपका कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर पैसा नो डाउट लगेगा, लेकिन आप अपने वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हो उसके ऊपर। अच्छा, अब दूसरी चीज होती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, देन क्या पॉसिबिलिटियां, क्या ऑप्शंस निकलती हैं? तो दोस्तों एक ऑप्शन निकलती है आपके पास स्टडी की, आप वहां पे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, बेशक आप लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले लो या किसी भी जगह पर एडमिशन लेके अपने वीजा को स्टडी परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर स्टडी परमिट में कन्वर्ट हो जाए, देन स्टडी मुकम्मल होने के बाद आपको वर्क परमिट अलाउ हो जाता है, मिल जाता है। नंबर थर्ड पे होता है कि वहां पे डायरेक्टली किसी एम्प्लॉयर ने आपको हायर कर लिया किसी कंपनी में और वो आपको अपनी जगह पे जॉब पे रख लेता कंपनी में, आपके वीजा को कन्वर्ट करवा दिया जाता है। ये 3 होते हैं। अमेरिका थोड़ा सा प्रोसेस डिफिकल्ट और डिफरेंट होता है दुनिया की निस्बत। तो अब बात करूंगा मैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया पे, जो कि बहुत ज्यादा क्यूरीज है कि हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में वीजा कन्वर्ट करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं। तो देखें दोस्तों, मोस्टली लोग जो शेंगेन की तरफ जाना चाहते हैं कहते हैं कि हम शेंगेन में जाके अपने वीजा को कन्वर्ट करवा लेंगे इजीली, इसलिए हम कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते हैं। तो उनको बताता चलूं, ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अपने वीजा को कन्वर्ट करवाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू शेंगेन। कनाडा में आपने जाके अपने वीजा को वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, उसके बाद स्टडी वीजा में भी कन्वर्ट करवा सकते हो और बिजनेस वीजा पे भी अपना कन्वर्ट करवा सकते हो वीजा। और इस पे जो आपको पीआर वगैरह मिल जानी है, डॉक्यूमेंट्स बन जाने विद इन 3 ईयर्स बन जाने हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं कनाडा टूरिस्ट वीजा पर, वहां पे जाके LMIA ले लेते हैं। और LMIA दोस्तों आपको उसकी कॉस्ट पता है, एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन वहां पे कनाडा के अंदर मौजूद हो आपका LMIA इजीली मिल जाता है। LMIA मिल जाता है, देन आप वहां पे वो वर्क परमिट होता है, आप वहां पे काम कर सकते हो वहां इजीली। विदाउट LMIA भी काम कर सकते हो, एक अलहदा प्रोसीजर होता है, वो किसी अलहदा वीडियो में डिटेल में बताएंगे। अब बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा सब क्लास 600 होता है और ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में जाके। जो सबसे इजी प्रोसेस है अपने वीजा को कन्वर्ट करवाने का सब क्लास 600 को, कि वहां पे जाके आपने टूरिस्ट वीजा से स्टडी वीजा पे कन्वर्ट करवाना है, ना कि आप वहां पे वर्क परमिट में या फिर किसी और स्पाउस वीजा पे। स्पाउस वीजा भी बहुत आसान है। अच्छा, बाय द वे ये जो मैंने कनाडा की बात की, कनाडा में भी स्पाउस वीजा पे इजीली कन्वर्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी आसानी से हो जाता है। तो आपने वहां पे जाना है टूरिस्ट वीजा से, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी चक्कर नहीं है, उसमें आपने अपने वीजा को कन्वर्ट करवाना है स्टडी परमिट पे।
जो स्टडी परमिट होगा वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर 2 ईयर्स तक का होता है, और जिन भाइयों ने स्टडी नहीं की हुई उनको भी बताता चलूं, वो इजीली लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी स्टडी है, इंग्लिश बोलना आपको वहां पे सिखा देंगे। और अगर ये नहीं करना, आपने शेफ का कोर्स पकड़ लिया, कोई आपने इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर टेक्नीशियन का कोई भी कोर्स पकड़ लिया, या इस तरह कोई भी टेक्निकल किस्म के कोर्सेज पकड़ लिए, तो भी स्टडी चल रही है आपकी, तो आप इसमें एडमिशन करवा सकते हो, साथ में काम अलाउ हो जाता है, उसके बाद आपको साथ ही वर्क परमिट मिल जाता है जैसे ये कोर्स मुकम्मल होता है। काम की बात, अगर वहां पे जाए काम करना है तो मैं बताता चलूं, आप टूरिस्ट वीजा पे जाके किसी भी कंट्री का रूल है काम नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको लोग रख लेते हैं अपने पास, तो इसलिए लोग वहां पे जाए काम कर रहे होते हैं। अगर आपका वीजा कन्वर्ट हो जाए तो आप आसानी किसी भी कंट्री में काम कर सकते हो। तो ये टॉप के ऐसे कंट्रीज हैं जो आसानी आपको वर्क परमिट देते हैं। अब एक जापान की बात करूं, जापान में इजीली आपको वर्क परमिट मिल जाता है, जाते ही आप वहां पे एम्प्लॉयर से बात करते हैं, एक अदर प्रोसीजर जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट में जाके अपने वीजा को कन्वर्ट करवाते हो, 1 ईयर बाद आपको एक कार्ड मिल जाता है, परमिट मिल जाता है, जिसपे आप पूरे जापान में कहीं पे भी काम कर सकते हो। ये भी बड़ा एक आसान तरीका है जापान में वीजा लेने का। तो गाइज नंबर 5 पे मैं अगर बताता चलूँ तो है जी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी जाके अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाए तो अपने वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हो। गाइज नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नेटो पे ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।